नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके। अब सबको पता होगा कि ये MMRC टेंडर पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है और आज तक ये टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि ये टेंडर अभी भारत के लिए कितना जरूरी है और अगर इसको फाइनल करने में और ज्यादा डिले किया जाता है तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमको कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी कुछ अच्छी खबर सामने आ रही है और अभी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ के तौर पर अपॉइंट होने के बाद हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी की तरफ से अभी तुरंत ही MMRC टेंडर को फाइनल करने पर काम करना शुरू किया जा रहा है और जल्दी से इस टेंडर को अभी आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंटरनली RFI को इवेल्युएट करने के लिए एक इंटरनल नोटिस को जारी किया गया है और आगे चल के 2022 के मिड में या जून या जुलाई से पहले ही इसके लिए फॉर्मल RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी इशू करने का प्लान किया जा रहा है। यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ही, यानी कि 4 से 5 महीने के अंदर ही इस टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि वर्तमान के हमारे नए एयर चीफ एडिशनल 36 रफेल के फेवर में नहीं लग रहे, बदले में वो MMRC टेंडर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब इस टेंडर में कौन कौन से जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये तो आप सबको पहले से अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि ये टेंडर 2019 से पहले ही चलता आ रहा है और इसकी कीमत लगभग $18 बिलियन के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। इस टेंडर को पूरी तरीके से हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 के रूल के मुताबिक ही किया जाएगा और जिस भी फाइटर जेट को इसमें शामिल किया जाएगा उसको कम्प्लीट टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगला अपडेट SU-75 या चेकमेट फाइटर जेट को लेके है। हाल ही में हुई MAX 2021 एयरशो के दौरान रशिया की तरफ से अपने चेकमेट या SU-75 फाइटर जेट को डिस्प्ले किया गया था, जो कि एक लो कॉस्ट सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है और यहां तक कि इसकी प्राइस वर्तमान के किसी भी मॉडर्न 4.5th जनरेशन के फाइटर के मुकाबले काफी कम रहने वाला है। इसकी पहली फ्लाइट को रशिया की तरफ से 2023 में करने का प्लान किया गया था और 2026 से इसकी सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का काम रखा गया है। रशिया पहले से हिंट दे चुका है कि इस नए फाइटर जेट को वो आगे चल के भारत को ऑफर करने वाले हैं और जैसे कि भारत को अभी लगभग 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, तो अगर रशिया इसको सही टाइम पर बना पाता है और साथ ही SU-75 के फीचर्स भारत को इम्प्रेस कर पाते हैं तो ये रशिया के लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। जिस वजह से रशिया की तरफ से अभी अनाउंस किया जा चुका है कि भारत जो है वो SU-75 का एक पोटेंशियल एक्सपोर्ट कस्टमर है और जैसे ही SU-75 की टेस्ट फ्लाइट को किया जाएगा उसके तुरंत बाद ही भारत के टेस्ट पायलट भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के कुछ पुराने ऑफिसर का कहना है कि SU-75 के साथ या FGFA प्रोग्राम की वजह से भारत रशिया के ऊपर अपना ट्रस्ट को खो चुका था, जिस वजह से भारत अभी और ज्यादा रशियन फाइटर जेट पर फोकस करना नहीं चाहता है। लेकिन मे बी रशिया यहाँ पर इस ट्रस्ट को दोबारा गेन करने की कोशिश कर रहा है और इंडियन पायलट पहले नॉन रशियन पायलट होने वाले जिनको कि SU-75 में उड़ान भरने का मौका दिया जाने वाला है, क्योंकि SU-75 में रशिया की तरफ से काफी मेहनत किया गया है और ये असल मायने में एक 5th जनरेशन स्टैंडर्ड का फाइटर होने वाला है, जिसको रशिया की तरफ से US का F-35 का कंप्यूटर बताया जा रहा है, लेकिन असल में ये चाइनीज FC-31 को टक्कर देने वाला है और बस $25 से $30 मिलियन की फ्लावे कॉस्ट के साथ ही ये सबसे ज्यादा सस्ता 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है। अब रशिया इसको MMRC टेंडर में ऑफर करेगा या नहीं ये तो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सच में रशिया इसको भारत को ऑफर करना चाहता है या बेचना चाहता है तो इसको MMRC टेंडर के अंदर ही ऑफर करना सही रहेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स सेपरेटली अभी किसी और 5th जनरेशन फाइटर को खरीदना नहीं चाहता है जिसका हमारा किसी भी इंडिजिनस फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर कोई डायरेक्ट असर पड़ने वाला और हम किसी भी नए 5th जनरेशन फाइटर जेट को यहाँ पे खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे। अगला अपडेट मैलवेयर एक्सरसाइज को लेके है। पिछले कुछ दिनों से हम मैलवेयर एक्सरसाइज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इस बार की मैलवेयर एक्सरसाइज में UK भी पार्टिसिपेट करने वाला था और ये बात सामने आने के बाद थोड़ा डाउट किया जा रहा था कि अभी क्या किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो हमको मैलवेयर एक्सरसाइज के अंदर UK को शामिल करना पड़ेगा और इसके बदले यहाँ पे एक और एक्सरसाइज को टेम्परेरी बेसिस पर करने का प्लान किया गया था,
जिसका नाम एक्सरसाइज मरीन पेट्रोल रखने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ था कि आखिर क्या किया जाएगा। फिर कल एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि नहीं, अभी मलबार एक्सरसाइज की सेकेंड फेज को शेड्यूल के मुताबिक किया जाएगा और अभी इसको 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी यूएस की तरफ से ये बात ऑफिशियली बताया जा चुका है कि आगे चल के यूएस और भारत मैलवेयर एक्सरसाइज को एक्सपेंड करने की कोशिश करने वाले हैं और आगे चल के इसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले 1992 में मैलवेयर एक्सरसाइज को शुरू किया गया था और तब इसमें सिर्फ भारत और यूएस पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर 2005 में सबसे पहले भारत और यूएस की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इसमें एक साथ पार्टिसिपेट करने लगे थे और 2014 में इसमें जापान को शामिल किया गया था और 2020 में इसको ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया था। यानी कि अभी एक बायलेटरल एक्सरसाइज से मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बन चुका है और आगे चल के इसमें यूके को भी शामिल करने की कोशिश किया जा सकता है, ऐसा यूएस की तरफ से दर्शाया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी हम जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस एक्सरसाइज को जॉइंटली कंडक्ट करते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही आगे चल के इसमें यूके को भी शामिल कर सकते हैं। अभी से एक बात तो साफ हो चुका है कि जो एक्सरसाइज मरीन पेट्रोल को शुरू करने के बाद सामने आई थी उसको मे भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा और आगे चल के यूके को सीधे तौर पर मैलवेयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन दिया जा सकता है। और ये आगे चल के इंडियन ओशन रीजन में भारत की ताकत को बढ़ाने में और चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकने में काफी काम आने वाला है। अगला अपडेट चाइना और यूएस को लेकर, अब सभी को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि यूएस की एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन साउथ चाइना सी रीजन में एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। हालांकि ये क्लियर करके बताया नहीं गया था कि क्या हुआ था, लेकिन जो सबमरीन था वो किसी चीज से टकरा गया था और यूएस नेवी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबमरीन को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद सबमरीन को वापस बेस पे भेज दिया गया था। इसके बाद अभी ये भी सुनने को मिल रहा कि मे बी इसमें चाइना का हाथ हो सकता है। और हालांकि यूएस सीधे तौर पर यहाँ पे चाइना पर दोष नहीं दे रहा, लेकिन सेम रीजन में चाइना और यूएस के बीच काफी टेंशन चल रहा है और अलग अलग देशों की मिलिट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि मे बी इस एक्सीडेंट को चाइना की तरफ से प्लान किया गया था। और जैसे कि ये एक एक्सीडेंट था जिसमें यूएस सीधे तौर पर चाइना पर दोष नहीं दे सकता है, लेकिन इससे चाइना यूएस की वॉरशिप्स को सेम रीजन में आने के लिए रोक सकता है। इसी बीच ये भी सुनने को मिल रहा है कि चाइना की तरफ से अभी एक एक्सपेरिमेंटल अनमेंट कॉम्बैट शिप को भी टेस्ट किया जा रहा है और ये रिपोर्ट अभी यूएस के नेवल इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया था। यूएस के नेवल इंस्टीट्यूट के मुताबिक चाइना की सैंगपिंग दियो सबमरीन बेस से लगभग 14 किलोमीटर डिस्टेंस पर अभी एक सीक्रेट नेवल बेस को स्पॉट किया गया है, जहां पर चाइना की तरफ से एक अनमेंट सरफेस वॉरशिप को टेस्ट किया जा रहा है और ये बेस अभी चाइना की सबसे बड़ी शिपयार्ड से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे एक नहीं बल्कि मल्टीपल वेसल को यहाँ पे स्पॉट किया गया था और इससे पहले भी 2020 में यूएस की तरफ से सेम रीजन में छोटे साइज की चाइनीज अनमैंड वेसल को देखा गया था। और अभी जिन वेसल को देखा गया था इनको यूएस की तरफ से स्मॉल साइज का डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है, जिनमें खतरनाक फायर पावर मौजूद होने वाला है और ये कैटामरन डिजाइन के वेसल होने वाला है। चाइना की अलग अलग मीडिया के द्वारा पास्ट में पब्लिश किए गए डाटा के मुताबिक चाइना की डालियन शिपयार्ड में इन वेसल को पहले बनाया जा रहा था और सबसे पहली वेसल को 2016 में बनाना शुरू किया गया था और फिर अभी शायद इसको चाइना टेस्ट कर रहा था या फिर अभी चाइना इसकी सी ट्रायल को कंडक्ट कर रहा है और शॉर्ट टर्म बेसिस पर इनको ट्रायल के लिए भेजा जाता है। अभी तक कन्वेंशनल शिप्स के साथ इनको देखा नहीं गया है, लेकिन चाइना की सी बिल्डिंग काफी स्ट्रांग है और अभी चाइना की नेवी में यूएस के मुकाबले भी ज्यादा वेसल मौजूद है। और अगर चाइना इन अनमेंड वॉरशिप्स को लॉन्च कर देता है तो आगे चल के नेवल वॉरफेयर के टैक्टिक्स को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं, क्योंकि एक एक वॉरशिप्स को चलाने के लिए हजारों की तादाद में सेलर्स और ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है और बिना सेलर के और बिना ऑफिसर के अगर वॉरशिप्स को ऑपरेट किया जा सका तो इसमें काफी मैन पावर की बचत होने वाला है, लेकिन इससे भारत के लिए खतरा आगे चल के बढ़ने की उम्मीद किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।